हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है माफिया के यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आज मम्मी और पापा कहीं दोनों किसी काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं और माफिया काफ़ी ज़्यादा उदास मूड में, मतलब सैड मूड में, क्योंकि आप जानते ही होंगे माफिया को मम्मी जी से काफ़ी ज़्यादा लगाव है। ज़्यादातर टाइम अपना माफिया मम्मी जी के साथ ही बताता है। और देखो, सुबह का भी दूध नहीं पड़ा है इतना गुस्से में, और मम्मी जी कब पूरी कोशिश कर रही है पियाने की। अब पी तो रहा है, अभी देखो ना पिएगा नहीं जैसे वो बाहर जाएंगे। देखो, मुझे पता है इसकी अच्छी तरह से, एक हैबिट के बारे में इसकी। और ये देखो काफ़ी ज़्यादा उदास यार, इनकी जो फीलिंग होती है ना यार, बस बंदा वो ही समझ सकता है जो दिल से जुड़ा होने के संग इनकी सारी फीलिंग्स को। ये देखो यार, इनमें भी बहुत फीलिंग्स होती है यार पैट्स में आपके, तो प्लीज़ यार रिस्पेक्ट जरूर करें। आप कोई भी पैट्स पालें उसकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और देखो पापा जी जा रहे हैं, अब देखना कितना ज़्यादा उदास हो जाएगा ये, और जो मिलकर बिल्कुल नहीं पिएगा। देखो वैसे इन्हें दिखाने कोशिश कर रहा है आई थिंक कि हाँ मेरे को खुश हूँ मैं, आप जा रहे हो, परंतु यार अंदर से बहुत ज़्यादा उदास है। तो अब पिएगा नहीं, अब छोड़ देगा, जैसे कुछ लगे अब पिएगा नहीं ये। अब देखो मुझे पता थी इसके बारे में यार, ये देखो अब उदास हो गया कि वास्तव में मेरे को छोड़ के चले गए। ये सही लग रहा था कि ये मैं दूध नहीं पी रहा इसलिए वो मुझे छोड़ कर जा रहे हैं, इसे दूध पीने लग रहा था ये। अब इसे क्या बताते यार, ऐसे कुछ बात नहीं है, वो किसी और काम से जा रहे हैं बाहर। और इस टाइम वो जा चुके हैं और वो आई थिंक कल या परसों आएंगे। जब तक माफिया अकेले रहेगा, हमारे साथ रहेगा, मैं और मेरे छोटे भाई के साथ में है। मैं माफिया मस्ती करेंगे, चिंता मत करो यार, तुम उदास बड़े हो जाते यार। एक तो यार मेरे साथ कभी रहता नहीं है ना, बहुत कम रहता है मेरे साथ तो यार ये। बैठ जाओ। हाँ क्या बात है, क्या हुआ है? अब चलो अपना यार दूध फिनिश कर दो, दूध पी लो अपना यार, अब पिएगा ही नहीं है। मम्मी जी होती तुरंत पी लेता है, उनके हाथ से तो, मेरे हाथ से तो बिल्कुल ही बहुत ही कम पीता है। चिंता मत करो यार, आ जाएंगे। देखो माफिया किसी का इंतजार कर रहा है, मम्मी जी का इंतजार कर रहा है माफिया, कि वो सुबह सुबह दूध लेने जाती थी ना मॉर्निंग पे, तो आती थी तो उसे दूध वो दे देती, तो ये कह रहा सुबह हो गई परंतु अभी तक मम्मी जी दिखाई नहीं दे रही। और उसे लग रहा कि मम्मी जी भी बाहर से आएंगी दूध लेके इसके लिए। ओए माफिया क्या हो गया, किसका इंतजार कर रहे हो? ये देखो इस तरह से, इसे लग रहा कि मम्मी जी भी आएंगी फिर उसके बाद आएंगी। ये देखो पर से ऐसा लग रहा है, और इनकी फीलिंग बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है माफिया भाई, मुझे भी कितना इतना मिस कर ले करो कभी कभार हैं, हमें तो करते हैं तुम मिस इतना। ये देखो वो कम से कम इसे 2 घंटे होने वाले हैं, ये बहुत देर से बैठा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने कुछ बाहर से ऑर्डर करा था कुछ आइटम्स, और जैसे कि आप जानते हो माफिया काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है बाहर से कुछ भी आता ना, तो माफिया काफ़ी ज़्यादा बेताब हो जाता है देखने के लिए, मतलब खाने के लिए, टेस्ट करने के लिए, परंतु आज कुछ उल्टा ही है। देखिए आप देख सकते हो बिल्कुल ही माफिया को इंटरेस्ट नहीं है हमारे खाने में। और देखो मैं कोशिश भी कर रहा हूँ खवाने की, हाथ में गाजर ले रखी है मैंने, और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि खा ले, पर बिल्कुल भी खा ही नहीं रहा यार, तो और बिल्कुल भी खाने की तरफ यार देख ही नहीं रहा यार। इसने बस सुबह से थोड़ा बहुत दूध पिया है, उसके बाद कुछ नहीं खाया। मैंने काफ़ी कोशिश करी कुछ खवाने की से, परंतु नहीं खा रहा यार ये, क्योंकि इसे इंटरेस्ट ही नहीं है। और जैसे एक अच्छी बात है कि मम्मी जी कल आ रही हैं, बात हो चुकी है, उनका काम जल्दी हो गया तो जल्दी कल आ जाएंगी। ये काफ़ी अच्छी बात है हमारे लिए और माफिया के लिए भी। और माफिया भाई ये सुनेगा ही नहीं भाई, चलो कोई बात नहीं, मैं अब नहीं खा रहा तो अब क्या कर सकते, जबरदस्ती तो करूँगा नहीं यार इसके साथ। जैसे कि आप देख रहे हो माफिया कितना ज़्यादा हैप्पी, कितना ज़्यादा खुश है यार, तो इसलिए कहता हूँ यार इनके अंदर भी बहुत ज़्यादा फीलिंग होती है अपने ओनर को लेकर। ये बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं अपने ओनर की, और अपने से ज़्यादा अपने ओनर को चाहते हैं यार। तो यार मैं वही बात आपसे दोबारा कहूँगा कि अपने यार पैट की रिस्पेक्ट करिए यार,
और देखिए तो कितना ज़्यादा हैप्पी लग रहा है माफी यार कितना ज़्यादा खुश हो रहा है मम्मी से मिलकर दोबारा। सो गाइस आपको वीडियो पसंद है वीडियो को जरूर लाइक करें और माफिया और मम्मी का प्यार देखकर आपको अगर अच्छा लगता है वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।